So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. So काफी दिनों बाद हम लोग अपने मॉर्निंग बाइट्स का एक अनोखा सेशन लेकर आए हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो सुनकर आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे. Have you heard of any animal that can perform the photosynthesis? क्या आपने कभी ऐसे एनिमल का नाम सुना है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? We are going to talk about that phenomena and we will be talking about all the important aspects of that organism. So please make sure कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, राइट? So these are some social media handles of mine. I'll request you guys कि आप लोग एटलीस्ट मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें जिससे आपको मेरे सारे लेक्चर्स के ऑफिशियल लिंक्स मिलते रहें और इसके साथ साथ आप हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. सो ये दोनों के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. यू कैन गो एंड यू कैन गेट कनेक्टेड एट बोथ द प्लेसेस. एंड इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अप ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी. ये एक और ऑसम सेशन है मॉर्निंग बाइट्स का जहां पर हम हर सुबह कुछ बेहतरीन सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं जो कि किताबों में अवेलेबल नहीं होता. तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दिखने में आपको पत्ते जैसा लगेगा अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें, और अगर आप इस मेन पोर्शन की बात करें तो ये आपको एनिमल जैसा लगेगा. एक्चुअल में ये एक एनिमल है और इसके अंदर ये जो पत्ते जैसी शेप आप लोग देख रहे हैं या फिर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ऑब्वियसली आपके क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. नाउ इस एनिमल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती क्यों है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट आए कहां से? अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर साहब इन 1969, हम सबको पता है कि एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके अंदर नेचुरली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो. ये बात बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट है तो मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल नहीं बताने वाला, लेकिन यहां पर कुछ नया होता है. और वो नया क्या होता है? नया यहां पर ये होता है कि ये एनिमल जो है ये एल्गी पर फीड करता है और वो भी ग्रीन एल्गी पर. यानी इफ दीज आर ग्रीन एल्गी तो ये आपका मोलस्क जो है ये यहां पर इस ग्रीन एल्गी के ऊपर फीड करेगा. एंड नाउ दीज ग्रीन एल्गी हैविंग क्लोरोप्लास्ट विल बी अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ दिस मोलस्क. यानी इस मोलस्क के अंदर जो कि आपका शेल लेस मोलस्क है, क्योंकि इसमें आपको शेल दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी बॉडी जो है आउटर पार्ट पे अगर आप देखेंगे इट इज हैविंग वेरी डेलिकेट सॉफ्ट एंड स्पंजी बॉडी, तो इसके ऊपर आपको शेल देखने को नहीं मिलता. तो ये जो शेल लेस ऑर्गेनिज्म है, जो शेल लेस मोलस्क है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एल्गी खाने की वजह से काफी सारे क्लोरोप्लास्ट को अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है और वो क्लोरोप्लास्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, जिसके बाद ये क्या करता है, खुद ही अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को आसानी से फुलफिल कर सकता है. सो इनिशियली क्या हुआ, इसने एल्गी खाए बहुत सारे, तो इसकी बॉडी में नेचुरली क्लोरोप्लास्ट नहीं थे जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल सेल. लेकिन जब इसने एल्गी पर रोबस्ट वे में फीड किया तो वो सारे यू नो क्लोरोप्लास्ट इसकी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लग गए. तो यहां पर कुछ एसेंशियल फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. तो इस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है आपका कॉस्टेसिएला कुरोशिमाए, राइट? कॉस्टेसिएला कुरोशिमाए, क्योंकि एक कुरोशिमा नाम के एक आइलैंड पर पाया जाता है तो इसीलिए कुरोशिमाए इसकी स्पीसीज जो है इसे उसकी रेस्पेक्ट में दी गई है. एंड कॉस्टेसिएला इज इट्स नेम और द जीनस. इसे आप लीफ स्लग भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज स्लग और एनिमल लाइक बट इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ अ लीफ. ओके, और आप इसे लीफ शीप भी बोल सकते हैं बिकॉज अगर आप इसका मुखड़ा देखेंगे तो आगे से ये शीप लाइक दिखाई देता है आपको. मैं एक और फोटो दिखाऊंगा जिसमें ये शीप लाइक दिखाई देगा, लेकिन ये काम करता है आपका एक लीफ का, तो इसीलिए इसे लीफ स्लग या लीफ शीप भी बोला गया, जो कि आपका एक स्पीसीज है सी स्लग की ही. ओके, और ये एक शेल लेस मैराइन मोलस्क है, यानी ये आपके फाइलम मोलस्का का एक मेंबर है जो कि शेल लेस है क्योंकि इसके ऊपर हार्ड कैलकेरियस यानी कैल्शियम का शेल नहीं प्रेजेंट है. ये मैराइन है क्योंकि आपका खारे पानी में पाया जाता है और इसकी फैमिली जो है वो है कॉस्टा सीएलडी, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉस्टा सीएला पड़ा इसकी फैमिली के नाम पर ही. ओके, दे कैन ग्रो अप टू 1 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी इनकी हाइट जो है या फिर इनकी बॉडी जो है वो 1 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है. और ये एक काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेप्टोप्लास्टी. सो वट इज क्लेप्टोप्लास्टी, इट इज अ वेरी यूनिक टर्म, इट इज अ वेरी न्यू टर्म दैट यू मस्ट हैव हर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. क्लेप्टोप्लास्टी आप किसे बोलते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को खाता है और उसकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी को एक्विप कर लेता है अपनी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज क्लेप्टोप्लास्टी. यानी कि ना ही सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म को खाना लेकिन उसके क्लोरोप्लास्ट को अपनी बॉडी में यूटिलाइज भी करना फॉर द सेम पर्पज जो कि एल्गी कर रहा था, इसे आप क्लेप्टोप्लास्टी बोलेंगे. क्योंकि खाने को तो आप भी प्लांट मटेरियल खाते हो, आप भी लीफ खाते हो, जैसे कि आप यू नो पुदीना खाते हो, आप धनिया खाते हो, आप यू नो काफी और भी लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, तो उनके लीफ भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं बट दे डू नॉट यू नो मेक योर सेल्स फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेटिक। तो यहां पर क्या है आपका क्लेप्टोप्लास्टी आपको देखने को मिलती है इन लीफ शीप ओनली। ओके, सो इट इज अ वेरी रेयर एनिमल एंड इट इज एन एक्सेप्शनल केस। तो यहां पर अगर आप इसकी शक्ल देखें तो इसीलिए इसको लीफ शीप कहा जाता है। इसका अगर आप मुंह देखेंगे तो पूरा शीप जैसा मुंह है, इसीलिए मैंने ये अलग से यहां पर इमेज लगाई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और इसके आजू बाजू का जो सारा इलाका ग्रीन है ये इसी के बॉडी से बना हुआ है, इसी के बॉडी पार्ट से बना हुआ है। तो ये आपके कुछ ग्रीन एल्गी हैं जिनको ये खाता है और फिर इस लीफ शीप की जो बॉडी है ये भी आपकी कैसी हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है और ग्रीन हो जाती है। तो जो पीछे के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं जो कि आपके थोड़े ब्लर्ड वे में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इसी के बॉडी पार्ट्स हैं जो कि ग्रीनिश हो जाते हैं आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ ग्रीन एल्गा और द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। राइट, सो यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो कॉस्टासिएला कुरोशिमाई की कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं जो कि लिजार्ड आइलैंड पर पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ के पास जो कि आपका एक कोरल रीफ है उसके पास पाया जाता है। 1 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। क्लासिफिकेशन अगर आप देखें इट इज एन एनिमल एंड फाइलम इसकी मोलस्का है, क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा है। इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं करना होता। ओके, गैस्ट्रोपोडा तक आप याद कर सकते हैं कि ये एक मोलस्क है और ये गैस्ट्रोपोड है बस, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। कॉस्टासिएला कुरोशिमाई इसका नाम है। तो कॉस्टासिएला इज गोइंग टू बी इट्स जीनस एंड कुरोशिमाई इज गोइंग टू बी इट्स स्पीसीज। बस आपको ये नॉर्मल बातें याद करनी है इफ यू वॉन्ट टू लर्न, अदरवाइज अगर आप इसका नाम भी याद करते हैं तो भी आप नॉर्मल बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। सो दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग, व्हेन आई रेड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थॉट कि इस पे मॉर्निंग बाइट बननी चाहिए। एंड आई होप आपको भी यूनिक और नई इन्फॉर्मेशन लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ओजोन क्लासेस। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।